मैं क्लियर कर लूँ फिर तुम। तो हमने कल फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया था, अब इसके आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2500, 2500 रुपीज का बैड डेब्ट्स हो गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया हो बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2500 रुपीज बैड डेब्ट्स हो गया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से प्रोविजन है और सफिशियंट प्रोविजन है, मतलब 2500 तो प्रोविजन में है ही, तो उस केस में ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर होने के लिए एक और एंट्री पास होगी, एक सेकंड एंट्री पास होगी। अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है तो ये 2500 रुपीज जो है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं है हमारे पास तो ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगा। एग्री? यस। क्वेश्चन में दिया हुआ है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2500, 2500 रुपए डूब गए, तो इसकी एक जनरल एंट्री तो बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री, अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस रखा हुआ है, यानी हमने पहले से ही बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बना के रखा था, तो ये 2500 रुपीज जो बैड डेब्ट्स है ये प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस नहीं है हमारे पास, तो फिर ये बैड डेब्ट्स रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर प्रोविजन का बैलेंस है, प्रोविजन में ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, और अगर पीडीडी में ट्रांसफर ना करके रिवोल्यूशन में ट्रांसफर किया तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अच्छा, हमारे पास पीडीडी तो है, पहले से बैड डेब्ट्स के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा है, लेकिन प्रोविजन में बैड डेब्ट्स जितना हुआ है उससे कम अमाउंट है, प्रोविजन का अमाउंट बैड डेब्ट्स के अमाउंट से कम है, तो जितना प्रोविजन बना के रखा उतना तो प्रोविजन से एडजस्ट कर लो, बचा हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट से। मान लो यहाँ पे तो 2500 प्रोविजन हो रहा है, लेकिन हमारा प्रोविजन में बैलेंस जो है 2000 रुपए ही है, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट 2000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 500, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 2500। एग्रीड? अब ये तो मैंने जनरल एंट्रियां क्या होगी वो बताया, पर जब हम एडमिशन के क्वेश्चंस करते हैं, जब रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन करते हैं, उस केस में जब हम जनरल एंट्रियां ना बना के लेजर्स बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो वहां पे कहां पे कैसे क्या लिखेंगे वो समझ लेते हैं। चाहे जो भी केस हो, हर केस में पहली एंट्री तो हो ही रही है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, हर केस पे फर्स्ट एंट्री तो पास हो ही रही है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमने डेटर्स को क्या किया, क्रेडिट किया, जबकि डेटर्स एक डेबिट आइटम होती है, डेटर्स एक डेबिट आइटम होती है और एंट्री में हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट आइटम को क्रेडिट करने से डेटर्स का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेबिट आइटम को क्रेडिट करने से उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, तो एक तो डेटर में से माइनस होगा ही, पहले एंट्री तो हर केस में पास हो ही रही है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो यानी कि डेटर में से तो 2500 माइनस होना ही है चाहे जो केस हो, है ना। और अगर ये सेकंड एंट्री, अगर ये बैड डेब्ट्स हमने प्रोविजन में ट्रांसफर किया, तो एंट्री बनी प्रोविजन डेबिट टू बैड डेब्ट्स। प्रोविजन डेबिट आइटम होती है कि क्रेडिट आइटम होती है? क्रेडिट आइटम होती है, प्रोविजन एक क्रेडिट आइटम है और उसको हम एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, तो प्रोविजन भी कम हो जाएगा, मतलब प्रोविजन भी कम हो जाएगा, यानी इन ऑल डेटर्स कम होंगे और साथ में प्रोविजन भी कम हो जाएगा, है ना। और अगर हमने प्रोविजन में ट्रांसफर ना करके रिवोल्यूशन में ट्रांसफर किया, तो उस केस में रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स और डेटर में से माइनस कर देंगे। अगर हमने प्रोविजन का अमाउंट था पर कम था, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स
उस केस में प्रोविजन तो पूरा ही खत्म हो गया, और जितना रिवेल्यूशन में डेबिट किया उतना अमाउंट रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में बता देंगे टू वेट दिस, और डेटा में से पूरे ही 2500 माइनस होंगे ही होंगे। एग्री? क्या सभी जने एग्री? क्लियर है? लिख के बताऊं कि समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा, क्या सेंटेंस था? बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2500, ये सेंटेंस था, जिसका मीनिंग क्या निकलता है कि 2500 रुपीस डूब गए। यही बात एक और ढंग से दी जा सकती है अलग लैंग्वेज में। कोई लैंग्वेज क्या आ सकती है? ब्रैकेट में पढ़ो, वन कस्टमर हु ओड टू अस रुपीस 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। एक कस्टमर जिसको हमें 25 रुपए देने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्टेड हो गया, और उससे कुछ भी नहीं मिला, यानी डूब गया। तो बात तो सेम ही, सीधे सीधे दे ऐसे ब्रैकेट में जो दिया ऐसा सेंटेंस है, दोनों का मतलब एक ही कि पैसे डूब गए, है ना। फिर उसमें कंडीशन क्या क्या हमने बनाई थी अभी, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं दिया हो तो डेटर में से माइनस करके रिवोल्यूशन डेबिट कर देंगे, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया हो तो प्रोविजन, अगर प्रोविजन का अमाउंट बेटर से ज़्यादा हो तो पूरा ही प्रोविजन में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्रोविजन कितना है देखो 3000, उसमें से 2500 बैड डेब्ट्स माइनस करोगे तो प्रोविजन में क्या बचेगा 500 रुपये। तो न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे डेटा में से तो 2500 माइनस करेंगे, तो बचे हुए डेटा में से प्रोविजन माइनस होगा 500 रुपीस। डेटा में से 2500 माइनस हो ही रहे बैड डेब्ट्स के, और जो प्रोविजन का 500 बचा था वो डेटा में से माइनस हो जाएगा, तो डेटा में से दो चीज़ माइनस हुई, लेस बैड डेब्ट्स 2500, फिर लेस पीडीडी 500। और अगर प्रोविजन बैलेंस में दिया तो हुआ है लेकिन बैड डेब्ट्स अमाउंट से कम है तो प्रोविजन तो पूरा ही खत्म हो गया, डेटा में से 2500 माइनस करके बाहर लिख देंगे, प्रोविजन कुछ माइनस हो कुछ भी नहीं होगा। एग्रीड? हाँ एग्रीड। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आने के पहले बेटा अब कुछ डाउट रहा तुम्हारा? हमारे पैसे कितने डूब गए 2500, और इधर प्रोविजन कितना दिया हुआ है 2000, तो 2000 का हमने प्रोविजन बना के रखा था लेकिन 2500 डूब गए, तो प्रोविजन में जो बना के रखा वो तो खत्म ही हो गया ना आपका। अब जो 500 एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो रिवोल्यूशन डेबिट में आ जाएगा, और डेटर्स तो पूरे 2500 से कम होंगे। एग्री हो? एग्री हो? चले अगले पॉइंट पर। हाँ बेटा, नहीं लिखेंगे, सुनना भाई, इसने क्या क्वेश्चन किया ध्यान दे के सुनो। इसने कहा कि सर देखो, अगर प्रोविजन का अमाउंट 3000 होता, हमने 3000 डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बना के रखा था कि 3000 डूबेंगे, लेकिन डूबे तो 2500 ही, तो 500 रुपये तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना, फार्म को 2500 का प्रॉफिट हो गया, नहीं हुआ। कब होता है कब नहीं होता समझ लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 2500 का बैड डेब्ट्स हो गया और रिमेनिंग डेटर्स आर गुड, अगर लिखा होता कि 2500 तो डूब ही गए, और साथ में एक और सेंटेंस दिया होता रिमेनिंग डेटर्स आर गुड, बाकी डेटर्स गुड है, मतलब उसमें कुछ डूबने की संभावना है ही नहीं, तो जो हमने 500 रुपए का बाकी का डाउटफुल बना के रखा है कुछ नहीं डूबना है अब आपका, और 500 का प्रॉफिट हो गया, तो फिर रिवोल्यूशन क्रेडिट में आ जाता 500 रुपए। पर अभी ऐसा नहीं बोला कि रिमेनिंग डेटर्स आर गुड, तो जो 500 रुपए डाउटफुल है वो पड़े रहे तो डाउटफुल में, आगे चलते जब डूबेंगे वो उसी में से एडजस्ट होंगे। क्या एग्री हो? yes, सभी एग्री हो? yes, पक्का? तो कब वो 500 रुपये हम रिवोल्यूशन में क्रेडिट करेंगे डेटर में माइनस नहीं करेंगे? जब रिमेनिंग डेटर ऑल आर गुड होते। एग्री? चले आगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है पढ़ के देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5%। डेटर्स का 5% जो है वो डाउटफुल है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, यही वो इसका मतलब। थर्ड पॉइंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट 5%। डेटर में 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। इसी बात को एक और ढंग से दे सकते हैं, ब्रैकेट पढ़ो, ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज टू बी मेड, हमें प्रोविजन बनाना है इक्वल टू
5% डेटर, डेटर के 5% के बराबर प्रोविजन बनाना है। तो दोनों एक ही तो बात हुई, तो चाहे ऐसे दे या वैसे दे बात एक ही है। डेटर का 5% डाउटफुल है, डेटर का 5% डाउटफुल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन, पहले से अगर प्रोविजन दिया हो तो क्या करेंगे, पहले से प्रोविजन नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, दोनों केस समझेंगे हम, है ना। मान लो कि बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए कितने दिए हुए हैं, 30,000, और प्रोविजन भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। अच्छा डेटर्स कितने दिए हुए, 30,000 का 5% कितना होता है, 1500 होता है। तो 5% डेटर का 1500 होता है, वो डाउटफुल हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो जब हम रिवॉल्यूशन बनाएंगे तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में 2PDD के नाम से लिख देंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में 2PDD के नाम से लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 2PDD 1500। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे वो भी समझ लेते हैं। एक बार हाँ, क्लियर है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां तो डेटर्स, पहले से हम अंदर डेटर्स लिख देंगे, हाँ। तो डेटर्स बैलेंस शीट में कितने लिखे हमने, 1500, उसमें से 1500 पीडीटी माइनस करके 28,500 लिख देंगे। एक तो रिवॉल्यूशन में कहां लिखा हमने, डेबिट में, और बैलेंस में डेटा में से पीडीटी माइनस कर दिया। ये केस चल रहा था कि अगर हमको 5% प्रोविजन बनाना हो और बैलेंस शीट में बैडेस पहले से पीडीटी नहीं दिया हो। अब दूसरा केस ले लेते कि हमको 5% बनाना है, 5% प्रोविजन बनाना है ना, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी पीडीटी दिया हुआ है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी पीडीटी क्या है। अब इसके अंदर भी हम दो केस लेने वाले हैं, कैसे दो केस लेंगे जरा समझ लो। मान लो कि बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं, और बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिए हुए हैं ना वो दिए हुए हैं 30,000, और उसमें से पीडीडी माइनस किया हुआ है, पहली वाली बैलेंस शीट जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें पीडीडी दिया हुआ है 1000, तो आउटर कॉलम में आएगा, ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले प्रोविजन कितना था, लेकिन अब अगर हम 5% डेटर का निकाले तो 1500, पहले 1000 ही डूब रहे थे लेकिन अब 1500 डूबेंगे, पहले 1000 रुपीस का ही प्रोविजन था लेकिन अब प्रोविजन 1500 हो गया, तो 500 का लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया। तो बैलेंस शीट में प्रोविजन पार्ट डेटर्स के नाम से डेबिट में आएगा, कितना आएगा। उधर जब हम बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट में डेटर में कितना माइनस करेंगे, बैलेंस शीट 1500 माइनस करेंगे, सेम टू सेम, पहले कितना प्रोविजन था, पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना था, 1500 था, लेकिन अब जब नहीं बना रहे तो वहां कितना माइनस कर रहे हैं, 1500, तो जो 500 प्रोविजन बढ़ गया उसका क्या करा हमने, डेबिट कर दिया। एग्री हो, यस। अब हम दूसरा केस ले लेते, अगर पुरानी वाली बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया होता 1800, अभी प्रोविजन कितना आ रहा है हमारा, हम अभी कितना माइनस कर रहे हैं, हम 1500, और पहले प्रोविजन कितना था 18, तो 300 रुपये कम हो गया। अगर 300 रुपये कम हो गया प्रोविजन, तो फिर उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बाय पीडीडी, कितना लिखेंगे 300। एग्री हो, यहाँ तक सिंपल केस है, यहाँ तक उलझने वाली बात थी नहीं, अब आप आगे उलझाएंगे इसको, अब उलझाएंगे, यहाँ तक सिंपल था कि नहीं था। अब देखो आगे, अगर ऐसा न दिया होकर क्या दिया होता, अभी तो दिया था क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही था, और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न देकर दिया होता क्या दिया होता, फोर्थ पॉइंट में पढ़ो, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर एट 5%। डेटर जो है ना उसमें जितना भी पहले डाउटफुल था वो तो है ही, 5% और डाउटफुल हो गया, इंक्रीज कर दो, यानी पहले जितना था वो उसको हटा के नया 5% मत बनाओ,
इंक्रीज प्रोविजन फॉर डूबेंट, इंक्रीज मतलब पहले जितने डूब रहे थे 5% और डूबेंगे। मान लो पहले से डेटर्स दिए हुए हैं, पहले से डेटर दिए कितने दिए हुए, इसका 5% कितना होता है 1500। अच्छा पहले डाउटफुल कितना था, तो 1800 जो पहले डाउटफुल है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1500 और। तो न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी, न्यू बैलेंस शीट में जब डेटर में से माइनस करेंगे तो 1800 प्लस 1500 यानी 3300। जहां पहले 1800 डाउटफुल था अब 1500 इंक्रीज हो गया। तो फिर बैलेंस शीट में, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट में कहां पे लिखेंगे इसको, रिवोल्यूशन में कहां लिखेंगे इसको, डेबिट में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, टू पीडीडी के नाम से। कितना लिखेंगे, 1500 लिखेंगे। तो देखो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, सिर्फ लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज ऑन डेटर 5%, और फोर्थ पॉइंट में इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज 5%। ऊपर क्रिएट था और यहाँ पे डाउटफुल, दोनों में अलग अलग पॉइंट चला है, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग चला है। इंक्रीज और क्रिएट, इन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एग्री हो दोनों में बहुत छोटा सा फर्क समझ में आया। अच्छा एक और ढंग से दे सकते हैं, एक और ढंग से क्या दे सकते हैं वो समझ लो, बोलो। डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 5%, कि पहले जितना भी प्रोविजन था उसको 500 से कम कर दो, ये मीनिंग निकल रहा है। डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 500, पहले जितने भी डूब रहे थे वो 500 कम डूबेंगे। अच्छा इसी बात को एक और ढंग से दिया जा सकता है, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 500, जो पहले प्रोविजन बना हुआ है 500 ज्यादा बना हुआ है, यानी 500 कम कर दो, जो पहले प्रोविजन बना हुआ है वो 500 रुपए एक्सेस चल रहा है यानी उसको कम कर दो। तो पहले हमारा प्रोविजन कितना चल रहा है, 1800, 500 पर कम करना है। तो न्यू बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, 30,000 में से कितना माइनस करेंगे, 1300, प्रोविजन कितना कम हो गया, 500। तो फिर रिवोल्यूशन में कहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन में उस केस में फिर हम क्रेडिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, बाय पीडीडी 500। क्या एग्री हो हाँ बेटा, क्वेश्चन निकालो। हाँ मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ। हाँ तो आप 5% इंक्रीज किया था, तो अपन ने 30,000 पे इंक्रीज किया था, अब जब इंक्रीज करेंगे 5%, हाँ वो भी 30,000 पे, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही 5% 10% जो भी निकालना है वही चलेगा। एग्री। अच्छा भाई तो ये सबको क्लियर हुआ पॉइंट, डिक्रीज वाला डिक्रीज वाला और इंक्रीज वाला पॉइंट सब क्लियर हुआ। इंक्रीज डिक्रीज दोनों ना देखकर क्रिएट दिया होता तो क्या करते, वो क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे, अगर यूं दिया होता तो डेटर्स अमाउंटेड टू 1000 है ना, एंड क्रिएट पीडीडी ऑन डेटर्स 5%, ये अब समझेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है बैड डेब्ट अमाउंटेड टू 1000, एक या तो डूब ही गए, डूबने की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डाउटफुल नहीं है, डूब ही गए। एंड क्रिएट पीडीडी ऑन डेटर्स 5%, और 5% डाउटफुल भी है, और 5% डाउटफुल भी है। एंड क्रिएट पीडीडी ऑन डेटर 5%, इसके अंदर एक चीज छुपा के दे दी उन्होंने, एक चीज हाइड कर दी, नहीं दिया लेकिन दिया हुआ है, वो क्या वो समझ लेना। क्वेश्चन में लिखा है बैड डेब्ट अमाउंटेड टू 1000, एक हजार तो डूब ही गए, एंड के आगे जो बात है ना वो उन्होंने सीधे नहीं दिया, उसमें एक चीज छुपा के दी, वो क्या है वो समझाऊंगा। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर 5%, 5% डाउटफुल भी है। तो इसमें एक बात जो हाइड करके दिए वो ये दिए कि भाई एक हजार डूबने के बाद जो बाकी के डेटर्स बचेंगे उसका 5% डाउटफुल है, पूरे के पूरे डेटर का 5% डाउटफुल नहीं है। जैसे पिछली बार हमने पूरे 30,000 के डेटर्स का 5% निकाला था, पूरे 30,000 का 5% डाउटफुल था, या ऐसा नहीं है, या बचे हुए का 5% है, क्वेश्चन में बोला नहीं है पर इनडायरेक्टली बोल दिया,
इनडायरेक्टली कैसे बोला, हाइड करके कैसे दिया है वो जरा समझ लो। वो यूं दिया है कि भाई जो डूब गए उनमें कुछ डाउटफुल है क्या, जो डूब गया उसमें से क्या डाउटफुल, नहीं ना, नहीं ना। तो अगर हम 30,000 के डेटर्स हो उसका 5% निकाले तो इसका मतलब जो 30 में से एक है डूब गया उसमें से भी 5% डाउटफुल हो गए, उसमें से कुछ डाउटफुल हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। तो भाई 5% काय का, रिमेनिंग डेटर्स का, रिमेनिंग डेटर्स का 5% डाउटफुल है। ये रिमेनिंग डेटर वर्ड जो इसके अंदर हाइड है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, अच्छा, कभी कभी रिमेनिंग नहीं आएंगे, पूरे ही आएंगे, ऐसा कब होगा वो भी अपन समझेंगे आगे चलकर, है ना। फिलहाल तो डेटर में तो एक यार तो डूब गए, पीछे एक जगह भी समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जब बैड डेट्स हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट। यह उस समय ये भी समझाया था कि हर केस में होती है, जब भी बैड डेट्स होंगे उसमें कोई केस की कंडीशन कुछ नहीं है, बैड डेट्स हुआ है यानी एंट्री होगी और एंट्री यही होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री हुई तो डेटर्स भी क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएंगे। तो डेटर्स तो एक हजार से कम होना ही है, ये बात तो पक्की हो गई भाई, क्लियर। अच्छा, अब वो जो बैड डेट्स डेबिट किया था वो कहाँ ट्रांसफर होगा, अगर प्रोविजन दिया होगा तो, पहले से प्रोविजन दिया होगा तो वो ग्रोस में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं दिया होगा तो वो बैड डेट्स रिवोल्यूशन में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी वो जो एक है हम डेटर में से माइनस करेंगे, या तो वो प्रोविजन दिया है तो उसमें से माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट डेटर में से तो एक है माइनस होंगे ही होंगे, उसका सेकंड इफेक्ट या तो प्रोविजन दिया होगा तो उसमें से माइनस करेंगे, और अगर प्रोविजन नहीं होगा तो एक या रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा, क्या बताया था। और अगर प्रोविजन में अमाउंट कम हुआ तो प्रोविजन तो पूरा ही खत्म हो जाएगा और बचा हुआ रिवोल्यूशन डेबिट में आ जाएगा, एग्री हो। अच्छा, ये पुराना प्रोविजन खत्म करना है, कम करना है, जो भी करना है, साथ में हमको फ्यूचर में प्रोविजन रखना है कि नहीं रखना है, रखना है रिमेनिंग डेटर्स का 5%। अब इस बात को ध्यान में रख के एक बार करके देखते हैं, जो भी समझाया ना उसको क्वेश्चन के थ्रू वापस समझा रहा हूँ। मान लो डेटर्स दिए हुए 10,000 और सॉरी 30,000, डेटर्स कितने दिए हुए और प्रोविजन कितना दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, या एक और ले लेते हैं कि पहले से प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स 30,000 लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे, लेस बेटर्स कितना 1,000, ठीक है। तो बाकी डेटर्स कितने बचे, 29,000 बचे। अब उस बचे हुए डेटर्स पर PDD 1450 माइनस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 27550, है ना। अच्छा, पहले ओरिजिनली डेटर्स कैसे दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे, 30,000, उसमें कोई प्रोविजन वगैरह नहीं था, तो ये एक यार भी डूबा हमारा, है ना, एक यार डूबा और साथ में 1450 का प्रोविजन। तो ये डेटर्स है, ये PDD, ये दोनों के दोनों रिवोल्यूशन अकाउंट के, ये दोनों के दोनों रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर उलझों में ध्यान रखना, इस माइंड में उलझना है आपको, इससे बहुत ध्यान से सुना मैं जैसे आगे बढ़ूंगा। तो टू डेटर्स कितना 1,000, टू PDD 1450, एग्री हो। अगर एग्री हो तो फिर एडवांस करूं इसको, है ना। और अगर बैलेंस शीट में PDD दिया होता, दो कंडीशन लूंगा PDD के अंदर भी, PDD के अंदर दो कंडीशन लेने वाले अपन, लेस PDD, मान लो PDD दिया हुआ है, PDD दिया हुआ है 1,000 रुपया, नहीं सेम अमाउंट नहीं लेना है, PDD दिया हुआ है 800 रुपीज, ठीक। अब न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में तो जैसे हमने अभी किया था वही करेंगे, एक तो एक या बेटर्स के माइनस कर देंगे और 1450 PDD के माइनस करेंगे, तो हमारे पर लॉस कितना हुआ देखो, तो 1,000 का प्लस एक और लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हो रहा है 2450, टोटल लॉस कितना हो रहा है। तो पहले से PDD कितना था हमारे पास, हमारे पास पहले से PDD कितना था 800, 2450 का लॉस हो रहा है, 800 का प्रोविजन पहले ही बना हुआ था, तो अब एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ 1650 का, एक्स्ट्रा लॉस 1650 ही हो रहा है। तो जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में PDD लिखेंगे, कितना लिखेंगे
सोलह हजार और बेड डेस उसी के अंदर एडजस्ट हो गया सब कुछ, क्योंकि जब पीडीडी होता है तो बेड डेस उसी में ट्रांसफर होता है, उसमें आ गया वो सब कुछ। एक हजार डूब गए, 1450 डूबेंगे, टोटल 2450 का लॉस हुआ है, 800 रुपये का पहले ही प्रोविजन बना हुआ था। एग्री? अब तीसरा मैंने कहा था दो केस लूंगा इसके अंदर, 800 रुपये का लॉस ना हो। हाँ बोलो बोलो बेटा। नहीं बेटा, अब जब प्रोविजन दिया होता तो अपन प्रोविजन में ट्रांसफर करके वहाँ से नेट लेके आ जाएंगे, जब दोनों ही चीज़ मेंटेन होती है। वैसा भी करने से तुम गलत नहीं हो, सर वो भी सकते हो। एग्री हो? अच्छा, अब मैं केस ले रहा हूँ, मान लो प्रोविजन दिया हुआ है 3800, पहले प्रोविजन कितना दिया हुआ है हमको 3800, तो अब देखो अभी हमारे प्रेजेंट में लॉस कितना हो रहा है 1450 प्लस 1000 रुपीज का, 2450 का लॉस हो रहा है, जबकि हमने पहले कितना प्रोविजन बना के रखा था 3800 का। प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं? पहले हमने प्रोविजन कितना बना के रखा था 3800 का, अभी हमको लॉस कितना हो रहा है 2450 का। प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं? कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं? तो रिवेल्यूशन में किस साइड आएगा? अगर प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट है 1350। क्रेडिट में आएगा आई पीडीडी, कितना आएगा 3800 माइनस 2450 यानी 1350। क्या सभी एग्री हो? Yes, sir. सभी एग्री हो? Yes, sir. अभी तो और चलेगा एडवांस, पर हमारा लेक्चर ओवर हो गया है, तो बाकी का कल करेंगे हम।